हाय ऑल, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के मेरे वीडियो में आप देखेंगे मेरा मॉर्निंग रूटीन विद टू किड्स, एंड ऑल्सो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे हेल्दी जवार डोसा बनाती हूँ। और अगर आपको भी कैबेज की सब्जी पसंद नहीं है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे कैबेज की सब्जी बनाती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइज, तो रात के 11:30 बज रहे हैं, एक्चुअली हमारी घड़ी 15 मिनट आगे है। और अभी मैं उड़द दाल भिगो के रखने वाली हूँ। और उड़द दाल भिगोते टाइम आप मेक श्योर करना होगा कि आपको 1:3 रेशियो मेंटेन करना है। लाइक 1 ग्लास हो गया उड़द दाल का, 3 ग्लास होगा आपको जवार आटे का। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग। ये नेक्स्ट डे है एंड हम लोगों ने उड़द दाल भिगो के रखी थी रात में, और अभी हम इसे मिक्सी में लेंगे और इसका बैटर बनाएंगे। और एक चीज़ है, जो आप उड़द दाल भिगोते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ओवरनाइट ही इसे भिगो के रखें, बट बिकॉज मैं ब्रेकफास्ट के लिए बना रही थी तो मैंने इसे ओवरनाइट भिगो के रख लिया। आप चाहे तो इसे 6-7 आवर्स के लिए आप भिगो के रख सकते हैं और इसका बैटर बना सकते हैं और इमिडिएटली आप डोसा बना सकते हैं, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। बट मैं ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसे ओवरनाइट भिगो के रख लिया है। और अभी मैं इसे मिक्सी में थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका बैटर हम तैयार करेंगे। तो मेरा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है, और मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है बिकॉज़ यू नो, अगर आप इसे एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करके रखें तो आप नेक्स्ट डे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं किसी और आटे के साथ, जैसे रागी आटा हो गया या फिर और कोई आटा हो गया। तो इसमें अभी हम मिक्स करने वाले हैं जवार आटा, और मैंने जैसा बताया कि 1:3 रेशियो है, तो 1 ग्लास हो गया हमारा उड़द दाल का एंड 3 ग्लास हो गया हमारा जवार आटा का। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आटे को मिक्सी में ही डाला है, और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके फिर मैं इसे एक और राउंड ले लूँगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप पतीले में मिक्स करें तो बहुत टाइम लग जाता है और बहुत एफर्ट लग जाता है, बट अगर आप एक और राउंड मिक्सी में अगर आप इसे घुमा लें तो बहुत ईजिली वो मिक्स हो जाता है, और जो बैटर है वो बहुत ही स्मूथ, आप देख सकते हैं कि जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही स्मूथ है और इसमें लम्प्स नहीं है, और बहुत ही सही से अच्छा सा बैटर बन के तैयार हो जाता है। एंड अभी मैं इसे पतीले में ले लेती हूँ, एंड आप देख सकते हैं कि कितना सही कंसिस्टेंसी है। और जो मेरा बेटा है वो उठ गया है फाइनली, एंड ही सेज गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑल। तो ये जो एक्स्ट्रा बैटर है ये मैं स्टोर कर रही हूँ एयरटाइट कंटेनर में, जिसे हम फ्रिज में रखेंगे, और नेक्स्ट डे इसे मैं रागी आटे के साथ यूज़ करने वाली हूँ। ओके, लगता है दूध वाला आया है। अच्छा, तो हम लोग रोज़ 1.5 लीटर दूध लेते हैं। एक्चुअली जो मेरे दोनों बच्चे हैं रिधान एंड जीवा, उनके लिए 1.5 लीटर दूध लग ही जाता है, स्पेशली जीवा। उससे ना मैंने ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा दिया है, तो इसलिए वो अभी सॉलिड फूड और जो ऊपर का दूध है वो पीती है, तो 1.5 लीटर हमें लगता ही है डेली का। एंड मुझे तो दूध की एलर्जी है, मैं दूध नहीं पीती। सो या आई एम अ चाय पर्सन, बट आजकल मैं कम हो गया है मेरा चाय, तो हम दूध चढ़ा देते हैं गरम करने के लिए, रख देती हूँ। और मैंने चाय भी चढ़ा दिया है, मॉर्निंग टी इज़ मस्ट फॉर मी, तो मैंने चाय भी चढ़ा दिया है। ओके, तो रिधान फ्रेश होके आया है और वो भगवान के सामने प्रे कर रहा है। इसके जो विशेस होते हैं ना वो इतने क्यूट विशेस होते हैं, ओ माई गॉड, बच्चे बहुत ही इनोसेंट होते हैं, और इसके जो विशेस है ओ माई गॉड। तो चलिए फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। तो मैंने ये लिया है, अभी हम क्या करने वाले हैं, जो डोसा है वो मैं उत्तपम स्टाइल में बनाने वाली हूँ। तो आपके फ्रिज में जो भी वेजिटेबल्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ऑनियन, टमाटो और कैरेट, क्योंकि हम उत्तपम बना रहे हैं तो जो वेजिटेबल्स हैं हमें बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में चॉप करने हैं। मेरे पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो मैं हाथ से ही कर रही हूँ। जीवा उठ गई है और वो रो रही है, एक्चुअली उसे मम्मा चाहिए अभी। तो जो गाजर है उसे मैं ग्रेट कर रही हूँ, तो गाजर को मैं ग्रेट करूँगी, टमाटो ऑनियन हम चॉप कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। सो यहाँ जो वेजेस की क्वांटिटी है वो मैं थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ बिकॉज हम इसे रैप स्टाइल में बनाने वाले हैं। इट्स अप टू यू कि आप कितना लेना चाहते हैं। एंड अभी मैंने ना छोटा सा कढ़ाई ले लिया है जिसमें मैं ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं उसको ना ऑलिव ऑयल डाल दिया है मैंने, और इसमें ना मैं वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करूँगी, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूँगी, स्टर फ्राई करके हम वेजिटेबल्स को ले लेते हैं। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है अनियन, टमाटो और कैरेट मैंने इसे ऐड कर दिया है। एंड इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे
इसमें हम डालेंगे पेपर पाउडर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट। सो सॉल्ट एज पर द टेस्ट बेसिकली। और एक बात का ध्यान रखना है कि सॉल्ट इसमें भी रहेगा, इस मिक्सचर में भी रहेगा, और जो बैटर है उसमें भी मैंने सॉल्ट डाला है। तो ये मेक श्योर करें कि जो सॉल्ट है वो ज़्यादा ना हो जाए। तो जो हमारा बैटर है वो रेडी हो गया है। अब हम ना पैन चढ़ाते हैं डोसा के लिए। सो नॉर्मली हम जैसे चावल का डोसा बनाते हैं वैसे ही हम बना रहे हैं ये जवार डोसा। एंड रित्सि को जवार डोसा, रागी डोसा, मूंग दाल डोसा, ये सारे डोसा ना उसे बहुत ही पसंद है और वो बहुत ही चाव से खाता है। तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट हिम। एंड एक और चीज़ है कि ना रिधान ना हर हेल्दी चीज़ को ना वो पसंद करता है। सो इट्स रियली अ गुड थिंग। एंड अभी ना मैं रिधान का जो लंच बॉक्स है वो पैक कर रही हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा सा फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स और डोसा मैंने इसको डाल के पैक कर दिया है। ओके, तो रिधान को मैंने बस स्टॉप ड्रॉप कर दिया है, वो चला गया अपने स्कूल। और अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट हम लोगों के लिए, यानी मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। आप लोगों को पता ही होगा कि जवार बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, ग्लूटेन फ्री है। एंड एक और बात है, जब मैं डोसा बनाती हूँ, जवार डोसा बनाती हूँ, तो मैं पैन को ग्रीस नहीं करती ऑयल से, ऐसे ही मैं डायरेक्ट बनाती हूँ। तो बहुत ही हेल्दी है ये जवार डोसा रेसिपी। एंड अभी ना मैंने चाय चढ़ाया था, डिकॉक्शन बनाया था, तो मैं दूध ऐड कर रही हूँ अपने चाय के लिए। अभी तक मेरा चाय नहीं हुआ है। एक बार रिधान चला जाता है ना स्कूल, उसके बाद मैं आराम से ब्रेकफास्ट एंड चाय लेती हूँ। तो ये मेरा डोसा है, आप देख सकते हैं कितना सही से ये बना हुआ है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा रोस्ट करती हूँ, मुझे ज़्यादा रोस्टेड पसंद है। आप देख सकते हैं कितना गोल्डन, कितना ब्यूटीफुल सा कलर आया है। बिल्कुल भी डिफ़िकल्टीज नहीं होती हैं। अगर जो मैंने क्वांटिटी आपको बताई है, रेशियो बताई है, अगर आप उस तरीके से बनाएं तो बहुत ही ईजी है। तो मेरा चाय उबल रहा है एंड इट्स ऑलमोस्ट रेडी। और ज़ीवा को ना मैं सुबह सुबह एक बॉटल दूध दे देती हूँ पीने के लिए, जब वो उठने वाली होती है, क्योंकि ना अगर वो उसका टमी फुल नहीं है तो वो बहुत ही क्रैंकी होती है और सुबह मुझे बहुत ट्रबल करती है। तो मैं उसे इमीडिएटली एक बॉटल दूध देती हूँ ताकि वो खुश रहती है, और बाद में मैं उसे ब्रेकफास्ट कराती हूँ। अभी हम लोग चाय ले रहे हैं एंड ज़ीवा को ना मैंने नहला दिया, उसे मैंने दूध दिया, वो उठ गई और मैंने उसे अभी नहला दिया है और ज़ीवा हो गई है रेडी। अभी मैं उसे कराऊंगी ब्रेकफास्ट। तो क्योंकि मैंने दूध दिया था तो नाउ शी इज़ हैप्पी, तो मुझे ट्रबल नहीं कर रही। तो अभी ना हम लंच का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं दाल चढ़ा रही हूँ कुकर में। एक्चुअली ना मैं पहले क्या करती थी कि आफ्टरनून में जैसे लंच टाइम होता था तभी गर्मा गर्म बनाती थी और सर्व करती थी, बट अभी मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले ही सुबह ही बना लेती हूँ सब कुछ, ताकि मुझे ज़्यादा टाइम मेरे किड्स के साथ मुझे मिले। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया है और टमाटोज एंड अनियन कट कर रही हूँ मैं दाल के लिए। कभी कभार ना मैं फीकी दाल बनाती हूँ, जैसे सिर्फ ग्रीन चिली डाल दिया। एंड कभी कभार मैं सब कुछ जैसे कि जो सारे स्पाइसेस एंड टमाटो, जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन, ये सब मिक्स करके बनाती हूँ। तो आज ना हम सब मिक्स करके बना रहे हैं। तो दाल मेरा बन गया है और आज हम चावल बनाएंगे लंच में, बिकॉज ब्रेकफास्ट बहुत ही हैवी हो गया है। तो आज हम लाइट रखते हैं लंच में, सिर्फ हम रखेंगे दाल, चावल और एक सब्जी। तो सब्जी में मैं बना रही हूँ कैबेज। तो कैबेज ना मैं बता दूँ कि जिन लोगों को कैबेज पसंद नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं ना, इंस्टेड ऑफ चॉपिंग द कैबेज, अगर आप वो ग्रेट करके कैबेज अगर आप बनाएं तो ट्रस्ट मी जो टेस्ट है ना वो बहुत ही सही आता है। बिकॉज मुझे भी पर्सनली कैबेज उतना पसंद नहीं है, और जब मैं ग्रेट करके बनाती हूँ तो बहुत ही अलग टेस्ट लगता है और बहुत ही सही लगता है खाने में। तो आप भी ट्राई करिएगा अगर आपको कैबेज पसंद नहीं है तो। मैंने बस कुछ नहीं, अगर कैबेज को ग्रेट किया है और नॉर्मली जो हम जैसे तड़का लगाते हैं मैं वैसा ही तड़का लगा रही हूँ। इसमें मैंने डाला है जीरा राई, अनियन, सूखी मिर्ची, हल्दी, और बस इसे मैं ऐसे ही तड़का लगा के उसमें मैंने ऐड कर दिया है ग्रेटेड कैबेज, और ऊपर से मैंने इसमें सॉल्ट हम डालेंगे और उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब कलर देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो 2 बज गए हैं और रिधान वापस आ गया है स्कूल से, और वापस आने के बाद वो बताता है मुझे कि उसका दिन कैसा रहा, उसकी टीचर ने क्या कहा। तो हर चीज़ की मैं इन्फॉर्मेशन लेती हूँ, लाइक थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं व्हाट टीचर टॉट यू टुडे इन द क्लास, एंड उसके बाद हम लोग लंच के लिए बैठ जाते हैं। एंड देन ही आल्सो टॉट मी नंबर इन स्माइली फेस। ओके, सो टीचर लाइक दैट। या
ओके गुड। तो ये मेरा आज का अमेज़न पैकेज आया है। मुझे आज हॉल वीडियो शूट करना है और मैंने वीडियो शूट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये सारा तामझाम वीडियो शूट करने के बाद का है, और उसके बाद जो इतना सारा काम रहता है फ़ोल्ड करने का, ओ माय गॉड। तो ये सारे मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। मैं आपको मैजिक दिखाती हूँ। तो ये देखिए झटके में कैसे फ़ोल्ड करते हैं, अगर आपको जानना है तो मुझसे सीखिए। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।